हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस स्पेशल सेशन जहां पे हम मिलेंगे नवनीत से, जो कि करियर विल के स्टूडेंट रहे हैं और शुरुआती दिनों से ये करियर विल के स्टूडेंट रहे हैं और ये सेलेक्ट हुए हैं एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पे। तो जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारे लाखों स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इनकी जर्नी जो है वो बहुत सीख से भरी हुई होगी, क्योंकि इस लेवल के पे पहुँचने से पहले इन्होंने बहुत सारे पड़ाव पार किए हैं। सो हम यहाँ पे नवनीत की जर्नी के बारे में जानेंगे, एसएससी की जर्नी कैसे शुरू हुई, किन किन पड़ावों को पार किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, और मुझे लगता है कि इनके इस इंटरव्यू से आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे जिसका आप अपने प्रिपरेशन में इस्तेमाल करके सफलता बहुत जल्दी अर्जित करोगे। सो नवनीत, आपका स्वागत है इस इंटरव्यू में, और पहले तो बहुत बहुत बधाई आपकी इस सफलता पे। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपकी स्कूलिंग से, राइट? ये तो आखिरी पड़ाव है, लेकिन थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं और स्कूलिंग से शुरुआत करते हैं कि आप स्कूल के दिनों में कैसे स्टूडेंट थे, घर वालों की क्या उम्मीदें थी, राइट? क्योंकि बहुत बार ये घर वाली उम्मीद वाला भी सवाल आता है, आगे हम उसको लेंगे। तो शुरू करते हैं स्कूलिंग से थोड़ा। सर, मेरी स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चांदपुर पड़ता है सर, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से हुई है। ओके। वहाँ से मैंने ट्वेल्थ किया है। उसके बाद सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया था, दयाल सिंह कॉलेज सर, लोधी रोड पे है। ओके, ठीक है। स्कूलिंग कब हुई थी आपकी? सर 2014 का पास आउट हूँ मैं। ओके, ठीक है। ट्वेल्थ किया था 2014 में, और 18 में यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है, हिंदी मीडियम स्कूल से किया है। ओके। थ्रू आउट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज होते हैं सर, आरएसएस के स्कूल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ। उसी से मैंने स्कूलिंग की है। उसके बाद फिर यहाँ से जब ग्रेजुएशन किया तब पता लगा एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है। okay. उसी की तैयारी करने लगे थे, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही तैयारी स्टार्ट कर दी। ओके, तो तैयारी आपकी शुरू हुई 17 से। ड्रीम जॉब है आपकी? हाँ सर, जाना तो सर से ऊपर है, पर अभी तक सैटिस्फाई हूं। और कोई एग्जाम क्लियर किया हो अभी जिसका आगे प्रोसेस अवेटेड हो? सर एक यूपी में लोअर पीसीएस होता है, उसी का अभी प्रोसेस चल रहा है। ओके। डीबी हो चुका है, बस उसमें पोस्ट एलोकेशन होना है, शायद 10-15 दिन में हो जाए। चलिए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सो अब अगर हम एसएससी की जर्नी पे आते हैं, तो जब आपने ये प्रिपरेशन शुरू करी तो किन तरह के चैलेंजेस फील हुए, मतलब क्या लगा आपको कि किस एरिया में दिक्कत है, कैसे किया जाए, अगर थोड़ी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें हम तो? सर मैथ्स में तो सर हो जाता था, मैथ्स तो पहले से आता था। okay. प्रिपरेशन की थी, आईआईटी की प्रिपरेशन की थी। okay. तो मैथ्स होता था कि स्कोर मैथ्स में आईआईटी में भी अच्छा होता था, तो यहाँ तक मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं थी, पर प्रॉब्लम थी इंग्लिश में। okay. और इंग्लिश में जब शुरू में सब एग्जाम देते थे मॉक में 10 नंबर 7 नंबर इतने आते थे 50 में से। okay. ठीक है, इंग्लिश करनी पड़ी, इंग्लिश में मेहनत करनी पड़ी सर, मैथ्स में नहीं करना पड़ा ज्यादा। इंग्लिश सबसे चैलेंजिंग था मेरे लिए। ओके, और जीएस और जीके को लेकर के क्या है? क्योंकि कल जब मैंने बात करी स्टूडेंट से भी कि भाई मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ, कुछ सफल विद्यार्थियों से मुलाकात होगी कल, तो आपके क्या क्वेश्चंस हैं? तो एक तो उनका सब्जेक्ट को लेकर के स्ट्रेटजी है, ठीक है, मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन तैयारी के दौरान पता लगा होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या एक फ्रेशर स्टूडेंट को, क्योंकि शायद आप पीसीएम बैकग्राउंड से आते हैं, राइट, मैथ्स किया है आपने तो आपके लिए आसान होगा, लेकिन अगर कोई सपोज ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड से है या कॉमर्स के बैकग्राउंड से है, तो उसको मैथ्स को लेकर के किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? सर मैथ्स के लिए सर मैंने सर सबसे पहले तैयारी से पहले स्टार्ट करने से पहले एक मॉक लगाया, उसमें पता चल जाता है कि कहाँ पर लाई कर रहे हैं, किस एरिया में हमें काम करना है। आप कोई मैथ्स से पढ़ा हुआ है तो उसके तो एडवांस वगैरह तो उसके लिए तो आसान है, बहुत बचपन से पढ़ के आया है, अर्थमेटिक पे काम करना पड़ता है पीसीएम से जो पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। बट ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए एडवांस सबसे हार्ड पोर्शन होता है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन वगैरह। तो मेरे मानना है कि पहले आप किसी भी बैच से कंप्लीट कर लें एक बार मैथ्स, उसके बाद ही मॉक लगाएं। आप किसी एक बैच से, चाहे एक साल लगे 6 महीने लगे, इतना तो करना पड़ेगा आपको। और अपडेटेड बैच देखें जिसमें जो टीसीएस के क्वेश्चन कराने, जब से टीसीएस आई है। बिल्कुल। क्योंकि पुराना जब एग्जाम कंडक्ट कराने वाली दूसरी बॉडी शायद सिफी थी, वो वाले क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब जब से टीसीएस आई है एक पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब मैथ्स में मान के चलो, जैसे पहले नंबर सिस्टम आता था तो उसके सारे काफी क्वेश्चन आते थे, यूनिट डिजिट वगैरह, आज केवल डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन पूछे आते हैं उसमें केवल, और वही कुछ फिक्स पैटर्न है उसी से क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो वो उन्हीं पैटर्न को ही करें ज्यादा। बिल्कुल, तो मतलब पूरी बात का क्रक्स यही है कि जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो
तो एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद मॉक पेपर देना शुरू करें, जिससे आपको ये पता लगे डिटेल्ड एनालिसिस के बाद कि कौन से एरियाज हैं जिन पे हमें काम करना है थोड़ा सा और मॉक में भी, और खासतौर से मॉक जो है रिसेंट वाले, हाँ, रिसेंट प्रीवियस ईयर जो मॉक है, प्रीवियस ईयर 2018 सीजीएल से लेके 2021 सीजीएल तक, बिल्कुल बिल्कुल 2022 के लिए ये बहुत वैलिड पॉइंट है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता वो पुराने वाले पैटर्न पे पहले मॉक इसलिए देते थे क्योंकि पहले पेपर ही एक या दो होते थे, अब तो एक एक एग्जाम में 45-50 शिफ्ट होती है, 45-50 तो वही मॉक आपसे खत्म नहीं होंगे, लगभग 150 मॉक होंगे जो टीसीएस ने लिए हैं, बिल्कुल केवल सीजीएल सीजीएल के, और सीएचएसएल के देने लगे क्योंकि पैटर्न तो सेम ही है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, सिलेबस लगभग मोर ऑर लेस सिमिलर, सीएचएसएल का पेपर हार्ड आ जाता है सीजीएल से, हाँ वो कई बार इस तरह से देखने को भी आता है। और इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी, जैसे आपने बताया कि इस एग्जाम के अंदर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके मन में ये परसेप्शन होती है कि ये एग्जाम बड़ा टफ है, खैर अभी तो नए नोटिफिकेशन में पैटर्न थोड़ा चेंज है, पहले 200 क्वेश्चन आते थे, तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई सर इंग्लिश के लिए? इंग्लिश सर जब ग्रामर पढ़ लेते हैं तो ग्रामर होने लग जाती है, बट हिंदी मीडियम के लिए सबसे चैलेंजिंग होता है सर कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकैब, बिल्कुल 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 वही नहीं होता है सर कि कॉम्प्रिहेंशन पकड़ के पढ़ते हैं पर आउटपुट नहीं निकल पे आता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दोबारा पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो फिर एक बार ग्रामर तो आप कंप्लीट कर लेते हो, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको कोई आप सब पढ़ाते हो आपका बैच है सर, तो वो मुझे कंप्लीट करना पड़ा वोकैब प्लस कॉम्प्रिहेंशन का, ओके ठीक है, मैंने जो करियर विल पे, हाँ वो आपका करियर विल से वाला बैच लिया था वोकैब प्लस कॉम्प्रिहेंशन वाला, क्योंकि उससे पहले भी मैं सीजीएल दिया था उसमें मेरे 148 मार्क्स थे, इस बार मेरे 190 थे मेंस में, तो वो केवल यही था कि इस बार मेरे कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकैब बहुत कम गलत हुआ, कि मिनिमम एक दो क्वेश्चन गलत हुए, बिल्कुल कि जो वहाँ पर सारे कॉम्प्रिहेंशन के मतलब PQRS गलत हो जाते थे, पैसेज गलत हो जाते थे, और क्लॉज टेस्ट तो बहुत गलत हो जाते थे, अब एक बार वोकैब अच्छे थीम वोकैब रूट वर्ड से या एक बार थीम बेस से वोकैब कर लोगे तो आपका क्लॉज टेस्ट खुद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल तो मतलब ये दो एरिया इंप्रूव करके नंबर में काफी ड्रास्टिक चेंज आया, क्योंकि सर ग्रामर के नंबर तो पहले ही अच्छे आ जाए, एक बार बिल्कुल, ग्रामर पढ़ लेते हो तो उसमें एक बार फिर आने लगते हैं, इवन जो मेरा मतलब बाकी के एस्पिरेंट्स के साथ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है उसमें यही निचोड़ निकल के आता है कि ग्रामर वाला पोर्शन तो मोर ऑर लेस सभी लोग कवर कर लेते हैं और कोई ऐसा बहुत मुश्किल का क्वेश्चन तो नहीं आता जीमैट लेवल का, लेकिन जो ये एरिया है ये डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन, बिकॉज आपका भी टैक्स असिस्टेंट से सीधा अभी आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन रहे हो तो उसमें एक मेजर रोल किसका रहा, इंग्लिश का रहा है, तो ये स्टूडेंट को ये समझने की बात है कि आप किसी भी एरिया को नजरअंदाज ना करें, ऐसा नहीं कि हो सकता है आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी है मैथ्स को आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो मैथ्स का नंबर इंग्लिश नहीं देगा और इंग्लिश का नंबर मैथ्स नहीं देगा, कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता। ग्रामर तो सर ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे तो ग्रामर हो जाएगी, बट कॉम्प्रिहेंशन को आपको रिवाइज पैटर्न समझना पड़ेगा और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्रिहेंशन एक रात पढ़ के चले गए सुबह कॉम्प्रिहेंशन कराओगे, ये शुरुआत मैंने करियर बिल ऐप पे करी थी एकदम स्टार्टिंग में वोकैबुलरी स्पेशल कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बैच की, और वो एक नई चीज थी एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज वो लिमिटेड थे कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट जस्ट ग्रामर रूल्स, बट एक्चुअली सिलेक्शन में इन दोनों एरियाज का मेजर रोल था, क्योंकि पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो ज्यादा है, आप कॉम्प्रिहेंशन से देखो तो 30 मार्क्स के आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अब तो सर मेंस क्लोज टेस्ट पैराजम्बल्स मतलब 40% पेपर आपका जो है वो, तो सर जो मेंस का पैटर्न उसमें तो सर साफ लिखा हुआ है कि कॉम्प्रिहेंशन एडिटोरियल बेस्ड आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा कॉम्प्रिहेंशन, बिल्कुल बिल्कुल, और वहां पे एक्चुअली लैंग्वेज की समझ टेस्ट होती है जिसको हम वर्बल एबिलिटी कहते हैं कि आप शब्दों के साथ कितने अच्छे हैं, तो वोकैब में भी शब्दों को रटना नहीं है, समझ बढ़ानी है, तो फिलर्स और क्लोज टेस्ट होगा, बिल्कुल तभी क्लोज टेस्ट होगा, वरना वोकैब में आप सिनोनियम एंटोनियम तो कर देंगे पर वो जब क्लोज टेस्ट में वोकैब आएगी नहीं हो पाएगा, तो नहीं समझ लेंगे आप उसे, चाहे एपोनियम से पढ़े चाहे उसे कैसे रूट, हाँ जो ग्रुप्स में अलग अलग कैटेगरीज में मैंने बताए वोकैब डेवलपमेंट एक एरिया के कैसे कैसे वो बर्ड बना है, वोकैब डेवलपमेंट एक एरिया वो भी बिना रटे हुए वो रूट वर्ड के जरिए बहुत कारगर होता है एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरा हमारा ग्रुप वाला मेथड है होमोफोन्स पैरोनीम्स होमोनीम्स एपोनीम्स और फिर तीसरा जो टेक्निकल एस्पेक्ट कॉनोटेशन कॉलोकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो जब ये चीजें जान लेते हो आप तो फिर ये सारे क्वेश्चन टाइप्स बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए अब शिफ्ट करते हैं जीएस और जीके की तरफ, इंग्लिश में कुछ और इनपुट देना चाहते हैं आप? नहीं सर बस यही है, कैंडिडेट्स के लिए कुछ और क्या आदतें उन्हें पढ़ने के अलावा डेली बेसिस पे करना चाहिए? न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर आपने कौन से न्यूज़पेपर पढ़ा? सर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था बट ज्यादा दिनों तक नहीं पढ़ा, मेंस मेंस में पढ़ा था, ओके क्योंकि मैं मैथ्स पे कर रहा था उधर, कि मैंने ज्यादा दिन तक नहीं पढ़ा है बट पढ़ा है थोड़ा सा जब मुझे लगा कि जरूरत है, ओके हाँ कि आप कुछ भी पढ़ सकते हो मैगजीन पढ़ सकते हो बट पढ़ना स्टार्ट करें, चाहे आपको करंट अफेयर इंग्लिश में पढ़े तो अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल ये एक तीर से दो शिकार होते हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स आपको सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, टेक द एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, इधर इन टर्म्स ऑफ रीडिंग लिसनिंग वॉचिंग कुछ भी करो आप, वो खुराक जरूरी है, एंड जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो क्लास में चाहे वो ग्रामर का है वोकैबुलरी का है, यू नीड टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन रियल टाइम सिनेरियो, जब आप वो पढ़ रहे हैं
तो फिर उससे फिर लैंग्वेज से प्यार बढ़ता है और फिर इंग्लिश बहुत आसान हो जाती है। अब आते हैं जीएस वाले एरिया पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि उसको कितना करें कितना ना करें क्या करें। वो मेरे लिए भी चैलेंज था कि उसके लिए कितना भी पढ़ लो आप 20 मार्क्स से ज्यादा 25 के बीच में ही रह जाते हो, कितनी भी मेहनत कर लो, बट आपको ये है 20-25 तो आने ही चाहिए 50 में से। तो मतलब क्या स्ट्रेटजी क्या बताओगे आप जीएस के लिए? आप तो मेंस में भी जीएस अब तो पढ़ने ये नए पैटर्न में इतने पहले चेंज है। प्री में जीएस थी तो कम खत्म हो जाता था छोड़ के, अब तो मेंस में पढ़नी पड़ेगी। मेरा मानना है कि सबसे पहले आप करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पे फोकस करें, कि जो जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं नोबेल प्राइज वगैरह और अवार्ड्स वगैरह, ये सब स्टैटिक जीके के जो पोर्शन है, सारे अवार्ड्स हो गए, गेम्स हो गए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएंगे। आप इसे करंट से रिलेट करके कर सकते हैं कि जब करंट का कोई भी अवार्ड आया तो उसका पीछे का बैकग्राउंड पढ़ ले, जैसे इस साल नोबेल प्राइज किसे मिला है तो उसका पहले देख ले कब शुरुआत हुई, कब क्या हुआ। बिल्कुल, इससे क्या होगा आप करंट वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, जैसे प्री में करंट के और स्टैटिक के ही 10 क्वेश्चन आ जाते हैं 25 में से, और वो 10 में 6-7 भी हो जाते हैं तो आपका स्कोर बढ़ जाता है। और मेन है कि आप जब मॉक दे तो आप अगर 2 क्वेश्चन ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं, मैं तो इवन 1 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाता था तो अटेम्प्ट करता था, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी मेंस प्री में। बिल्कुल, बट अब मेंस में 1/3 है तो आपको देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उस एरिया को, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, बट इतनी मेहनत भी नहीं करनी कि उसी पे लगे रहे, क्योंकि जीएस में एक बार पढ़ना स्टार्ट कर देते तो फिर वही पढ़ते रहते हैं, कई बार प्यार भी बढ़ जाता है और वही बचपन के जो पुराने पाप हैं वो दूर हो रहे होते हैं, दूसरी चीजें छूट जाती है, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी को एंजॉय भी करने लग जाते हैं। तो वही है कि कई बार तैयारी के दौरान ये फेज आता है किसी एक सब्जेक्ट से हमारा प्यार बढ़ जाता है और हम उसमें डूब जाते हैं, तो वो समझना जरूरी है कि बैलेंसिंग अच्छी हो। ये है कि सर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सर हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आने हैं और इतनी बड़ी हिस्ट्री है, आप उससे अच्छा तो दूसरी चीज करंट अफेयर पर फोकस कर लें। और आजकल सर कुछ कुछ तो पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, जैसे डांस फॉर्म है, सीजन में डांस फॉर्म के 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो उन्हीं को डांस फॉर्म को ही पढ़ ले, चाहे 4 दिन 10 दिन में डांस फॉर्म ही पढ़े, इंडिया की सारी जितनी भी है फोक डांस है या फिर क्लासिकल डांस है, तो इन्हें देखना पड़ेगा। जैसे नेशनल पार्क है, ये सब देखना, ये बिल्कुल जो स्टैटिक जीके के स्टैटिक जीके के हैं, किसी भी बुक में अलग से दिखा होता है उनके फुल फॉर्म्स अगर कब स्थापित हुआ, ये करंट अफेयर के टीचर से पढ़ते हो तो आप वो शाम को स्टैटिक वो देते हैं एक क्वेश्चन के पीछे की इसका पोर्शन स्टैटिक का क्या है। बिल्कुल, तो वो जरूरी भी है सर, तो एक डिसिप्लिन जरूरी है जीएस और जीके के लिए, और खासतौर से करंट अफेयर्स, चाहे वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है इंटरनेशनल का है, पूरे दिन में जो हुआ वो रात में पढ़ के सोइए, वी हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर दैट, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बट वी नीड टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन। बट सर मेरा मानना है करंट अफेयर रोज करके सोया करें। हाँ, आप सब वीकली भी करते हैं कुछ बच्चे, पर वीकली हो जाता है, मंथली नहीं होता सर। नहीं मंथली नहीं होता, नहीं वही बात है कि आप एक महीने का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, तो वही चीज है कि रोज वो थोड़ी थोड़ी खुराक सर, रोज का 15-20 मिनट में करंट अफेयर हो जाता है, 20 मिनट एक घंटा भी ले रहे हैं सर उसमें पूरा जीएस के लिए, पर एक घंटे से ज्यादा दिन में जीएस को नहीं। और रीजनिंग चौथा हमारा स्तंभ सर, रीजनिंग के लिए तो कुछ नहीं पड़ा था, बस केवल मॉक ही लगाए थे रीजनिंग के लिए कुछ, जैसे पर्टिकुलर टॉपिक्स है जैसे कैलेंडर वगैरह है, ये एक बार देख लिए कहीं यूट्यूब से देखे थे, और अब मैंने इसके लिए केवल मॉक लगाए थे रीजनिंग के लिए, और रीजनिंग मॉक से ही होती है कि आप कुछ करना भी नहीं होता है, प्रैक्टिस करके आपका हो जाता है, रीजनिंग के लिए मॉक से ही पूरा रीजनिंग कवर हो जाता है। ओके, बट हाँ आपको एक बार इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा और मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, इन 2 के लिए तो प्रॉपर आपको बैच लेने ही पड़ेंगे आपको, अगर हाँ कोई पहले से ही पढ़ा हुआ तो बात अलग है, इन 2 को तो आपको करना पड़ेगा, एक बार गो थ्रू पूरे कंप्लीट सिलेबस के साथ होना पड़ता है। रीजनिंग भी कई सारे लोगों के लिए बहुत नई चीज होती है, तो डेफिनेटली जो फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट है उनको तो पूरे प्रक्रिया के थ्रू गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सब मेंस में ही रीजनिंग है सर, रीजनिंग अभी आपके हर एक एरिया में मतलब चारों सब्जेक्ट्स का वेटेज आपको साफ साफ नजर आ रहा है। रीजनिंग नहीं थी तो सर हमारा तो काम चल जाता था सर, मैं केवल मॉक से, और एक बार जो मैथ्स जिसका अच्छा होता है उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, कनेक्शन होता है उसमें, आप ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई मैथ्स उसका डन खत्म है और इंग्लिश अच्छी हो, वो सॉरी रीजनिंग अच्छी हो, ऐसा नहीं होगा, दोनों बराबर ही होते हैं जिसके। बिल्कुल, सो नवनीत जो अगला क्वेश्चन है मेरा वो इससे जुड़ा हुआ है कि कल मैंने जब क्लास में पूछा भी कि मुलाकात होगी मेरी, तो एक सवाल ये था बच्चों का कि सर जो फैमिलियल प्रेशर होता है एस्पिरेंट्स के ऊपर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि एक बड़ी समस्या है इसमें, एक फाइन बैलेंस बनाना वो कैसे करना चाहिए, आपको क्या लगता है आपने कैसे किया वो? सर मेरे पे तो प्रेशर बहुत कम था। ओके, कि आप घर से पूछते भी नहीं थे कि क्या कर रहे हैं, बट हाँ जब एग्जाम निकलने स्टार्ट होते हैं तो वो भरोसा करते हैं कि आप और भी एग्जाम निकलेंगे, जैसे मेरा कोई छोटा एग्जाम निकला तो वो कि इवन मैंने कॉन्स्टेबल सके हुए एग्जाम दिए थे तो वो निकले तो कि अब आगे तैयारी कर रहा हूँ, टाइम लगेगा अभी थोड़ा, उसका लोगों पायलट दिया उसका हुआ तो फिर वो ज्वाइन नहीं किया। अच्छा मुझे अब ये बताओ, अब आप बता रहे हो धीरे धीरे, ये एक्साइज इंस्पेक्टर बनने से पहले कितनी ये सारी जॉब्स आपने छोड़ी हैं सर, काउंट बताओ टोटल। सबसे पहले कॉन्स्टेबल्स का दिया था सर, वो क्लियर हुआ, उसके बाद में एक
एक्स वाई ग्रुप का एग्जाम होता है, वो एग्जाम क्लियर हुआ था। ओके ठीक है, और फिर दो हो गए, लोको पायलट में हुआ है, तीन सीएचएसएल हुआ है, चार सीजीएल में हुआ, मतलब पांच नौकरियां और सीजीएल की ये दूसरी है, टीए पहले हो चुका है सर, उसमें मतलब कि टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हो पाई, तो रिटर्न सब क्लियर हो गया था। चलो तो उसमें मार्क्स भी कम थे सर, वो पहला अटेम्प्ट था सीजीएल का। ओके ओके, तो जब आप एक बार अटेम्प्ट दे लेते हो तो फिर आइडिया लगता है थोड़ा कई बारी की कहां कराया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह तक पहुंचा था, पूरी प्रक्रिया के थ्रू गुजरे थे आप, पता लग गया था कि अब ये होना है। तो आप मतलब कुछ सजेस्ट करोगे कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, आप पे नहीं था चलो अच्छी बात है, लेकिन किस तरह से हैंडल करना चाहिए? ऐसा प्रेशर घर वालों का कम होता है, पड़ोसियों का ज्यादा होता है। अच्छा तो घर वाले नहीं पूछते ज्यादा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जब पड़ोसी घर वालों से पूछते हैं, वे घर वाले हमसे पूछते हैं हाँ कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तुम्हारी तैयारी एक साल हो गए, कुछ कब रिजल्ट आएगा। देखो ये सवाल जो है मैं जवाब इसका दे ही देता हूँ, क्योंकि ये सवाल बार बार पैदा होता है, एंड वी नीड टू ड्रॉ फाइन बैलेंस फॉर दिस, बिकॉज पेरेंट्स को भी ये थोड़ा समझना है कि भाई बच्चा अगर तैयारी शुरू कर रहा है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, टाइम लगेगा हमारे देश में, कई बार उसको गाइडेंस सही शुरू में नहीं मिल पाती तो समय ज़्यादा लगता है, तो जब आप परेशान होते हैं तो बच्चे तक डेफिनेटली वो परेशानी पहुँचती है, और उसको भी पता है कि हाँ मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। और दूसरी बात, हमारे बच्चों को मतलब स्टूडेंट्स को भी ये बात समझनी है कि आपके पेरेंट्स सिर्फ इस चीज़ के लिए परेशान है कि भाई मेरे बाद इसका क्या होगा, और उनकी कोई चिंता नहीं होती मिडिल क्लास पेरेंट्स की, तो वो ये चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इसको सफलता मिले, राइट। तो ये दोनों को ये बात समझनी पड़ेगी, जैसे नवनीत ने यहाँ बताया कि भाई जैसे ही एक जॉब इनकी क्लियर हुई तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप हमेशा ये ना कहते रहें कि नहीं नहीं सर फैमिली का बड़ा प्रेशर है, लोग घर समझते नहीं, मम्मी पापा मैं काम तो कर रहा हूँ ये और वो, तो ये चीज़ से आपको समझना पड़ेगा कि आप कोई भी एक सफलता दिखाओ, एक सीढ़ी पे आपने कदम खा आपने, तो उन्हें ये समझ आ जाएगा हाँ ये सही दिशा में है, और फिर शायद आप कहें कि नहीं मुझे थोड़ा समय और दे दो, देखो ये नौकरी मैंने चाहे ग्रुप डी की ही क्लियर करी है, थोड़ा समय आप और दे दोगे तो मैं ग्रुप सी पे जा सकता हूँ, ग्रुप बी पे जा सकता हूँ, तो शायद वो समझें। तो आपको भी ये बात समझनी होगी कि भाई वो माता पिता के अंदर वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने की जिम्मेदारी भी हमारी है इस बच्चे के तौर पर, और माता पिता को भी समझना है कि भाई उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब ये फाइन बैलेंस होता है तो फिर चीज़ें बड़े आसानी से होती हैं, और फिर इस तरह की खुशियाँ आती हैं जैसे नवनीत के घर में आई हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ और आप अगर कहना चाहें, तैयारी करने वाले बच्चे को पता लग जाता है कि मेरा सिलेक्शन होना है नहीं होना, उसे सबसे पहले पता लगता बिल्कुल है। ये बहुत ईमानदारी वाली बात है, उसे सबसे पहले पता लग जाता है कि मेरा सिलेक्शन इतने टाइम में होगा, हर बंदे को पता होता है कि मेरा होगा नहीं होगा, और पहले ही पता लग रहा है कि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। अगर आपको उसी बंदे को सबसे पहले पता होता है कि मैं कहाँ पर लाई कर रहा हूँ और कितना टाइम मुझे लगेगा बिल्कुल सिलेक्शन में, ये ईमानदारी बहुत जरूरी है। जैसे मैं सेशंस में भी क्लासेस में ये बात करता हूँ कि जब आप मुझसे जुड़ते हैं या कहीं भी जुड़ते हैं फॉर दैट मैटर, तो आपका लेवल ये है और आपको ये लेवल चाहिए, तो इस गैप को समझना बहुत जरूरी, जो नवनीत ने कहा कि आप ये जानो कि भाई कितना गैप है और मुझे कैसे उस गैप को ब्रिज अप करना है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए जो लेवल चाहिए वो तो सेम चाहिए, जब आप कहीं भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो आप अलग अलग लेवल पे जुड़ते हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेयर यू लाई एंड व्हाट काइंड ऑफ लेवल यू आर सपोज टू हैव टू गेट सिलेक्टेड। आप किसी और को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को नहीं दे सकते, अपने आप को पता होता है कहां पर होंगे, अपने साथ 100% ईमानदारी, किन बाकियों के साथ कितना रखना वो आप चॉइस कर सकते हो, लेकिन अपने साथ तो 100% ईमानदार रहिए, और कई बार हम जब खुद से धोखा करते हैं तभी दिक्कतें पैदा होती हैं। प्रयास ईमानदार होंगे तो जरूर मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात, जब प्रयास ईमानदार होंगे तो सिलेक्शन जरूर मिलेगा, और वो ईमानदारी ही आपको बताएगी कि कहां पे कमी है, तब हम दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ना भी बंद कर देते हैं अपनी असफलताओं का, पता होता है कि जो भी रिजल्ट है वो हमारे कर्मों का ही रिजल्ट है। सो चलिए ऑन दिस पॉजिटिव नोट लेट्स रैप अप दिस इंटरव्यू, बहुत अच्छा लगा नवनीत आपसे मिलके, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये इंटरव्यू हमारे जो लाखों एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी एक सबक बनेगी, सीख बनेगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।